अब उत्तल लेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इस लकीर पर बने दो बिंदु C1 और C2 ये बतला रहे हैं कि ये C1 इस वक्र भाग का केंद्र है, वक्रता केंद्र जिसे हम कहते थे, वक्रता केंद्र है, और ये C2 इस भाग का वक्रता केंद्र है। इन दोनों C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यह जो बिंदु जो लेंस के बीच में मैंने बनाया है, जिसे उसे मैं यहां दिखा रहा हूं, इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यह जो दो बिंदु और जो इस O और C1 एवं O और C2 के बीच में बने, ये F1 और F2 फोकस दूरी बतलाते हैं। और यहां पर OF1 इज इक्वल टू OC1 बटे 2। ऐसा ही हमने मिरर के केस में भी देखा था दोस्तों, दर्पणों के केस में भी हमने ऐसा ही देखा था। आइए देखते हैं कि ये उत्तल लेंस करते क्या है, एक प्रयोग के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह एक सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों, ये जो यहां पे बना है, और इस पे प्रकाश की किरणें, सूर्य प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, इसीलिए वो लगभग समानांतर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही दूर से आ रही हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी उस समानांतर प्रकाश की किरणों को अपने फोकस पे, फोकस की ओर मोड़ देता है, और बहुत सारी किरणें जब एक ही बिंदु पे आएंगी तो उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी दोस्तों, और जिस ऊर्जा के कारण इस नीचे रखे एक कागज के टुकड़े पर आग लग जाती है, जैसा कि यहां भी दिखाया जा रहा है कि समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें फोकस पे केंद्रित हो गई। अब सीखते हैं कि उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इस चित्र में एक उत्तल लेंस दिखाया गया है दोस्तों, जिसकी वक्रता केंद्र, फोकस दूरी एवं प्रकाशिक केंद्र, ये सारी चीजें चिन्हित हैं। आइए देखते हैं कि हम लेंसों में चिन्ह परिपाटी कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दर्पणों के संदर्भ में भी बताया था कि पहले हम मानते हैं कि प्रकाश किस दिशा से आ रही है, तो यहां मैंने माना है कि प्रकाश जो है वो इस दिशा से, और जिस दिशा में मैंने इस तीर के निशान को बनाया है, प्रकाश उस दिशा से इस लेंस के ऊपर आ रही है। तब उसी तरीके से जैसे हमने दर्पणों में चिन्ह परिपाटी लगाई थी, यहां लगाएंगे इस फोकस को, इस फोकस दूरी को हम लोग एफ से दिखा रहे हैं, एवं इस फोकस दूरी को हम लोग माइनस एफ से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इस फोकस दूरी को नापने के लिए हम जब ओ से शुरू करेंगे, हर दूरी केंद्र से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है हर दूरी दोस्तों। तो ये जो प्रकाशिक केंद्र है, जिसे हम पोल कह रहे हैं, जब हम यहां से F1 पे आने की कोशिश करेंगे तो हमें प्रकाश के विपरीत दिशा में चलना होगा। तो जब भी कोई दूरी प्रकाश की चाल के विपरीत दिशा में नापी जाती है तो उसे हम निगेटिव साइन से दिखाते हैं। जबकि अगर हमें इस फोकस दूरी को, OF2 जो फोकस दूरी है, इसको लिखना होगा, तो जब हम O से चलना शुरू करेंगे F2 तक, तब हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में प्रकाश भी गमन कर रही है। तो इस फोकस दूरी को कैपिटल F से, माफ करिएगा, कैपिटल F नहीं, धनात्मक F अर्थात पॉजिटिव F से हम दिखा रहे हैं। यहां पर दोस्तों मैंने दोनों फोकस दूरी को, दोनों अर्थात इस फोकस दूरी को और इस फोकस दूरी का द्रव्यमान F ही लिया है, अर्थात मैं यह मान रहा हूं कि जब मैं इस लेंस को बीच से काटूंगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, तो इन दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान ही हैं, अर्थात ये दोनों लेंस एक दूसरे के समरूप हैं, जिनको मिला करके हमने यह उत्तल लेंस बनाया है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जब
अलग अलग लेंसों को मिलाया गया तो उनकी वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हो। वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग होने से क्या होगा, दोनों की फोकस दूरी भी अलग अलग हो जाएगी। जैसा कि इधर का अगर ये F2 है तो इधर का जो दूरी है, इधर की जो दूरी मिलेगी हमें, वो हमें मिलेगी अलग, जिसको स्मॉल F2 से मैं दिखा रहा हूं, और इस वाले भाग का जो फोकस दूरी है वो हमें मिलेगा F1, जो कि F2 से अलग है। तो इस केस में दोस्तों यहां पर F1 नॉट इक्वल टू F2, अर्थात F1 F2 के बराबर नहीं है। पर हमें इस तरह के केस के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हम अभी चर्चा करेंगे वैसे ही लेंसों के बारे में जिसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हों। आइए अब एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं उत्तल लेंस के जरिए। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि वस्तु इसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, यहां पर, जिसे मैं ए बी से दिखा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, पर हमें बस दो प्रकाश की किरणों की जरूरत है, एक जो इसके समानांतर जाए, मैं दूसरा रंग यूज कर लेता हूं, एक जो इसके समानांतर जाए, और हम जानते हैं कि हर समानांतर प्रकाश की किरण हमेशा उसके फोकस से होके जाती है दोस्तों, तो ये फोकस की ओर मुड़ गई। तो ये पहली किरण जो समानांतर जा रही थी वो फोकस की ओर मुड़ गई, और दूसरी किरण को मैं यहाँ लाल रंग से दिखाने की कोशिश करता हूँ, दूसरी किरण हम दोस्तों इसके प्रकाशिक केंद्र से होके गुजारेंगे। तो जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो सीधी सरल रेखा में गमन करती रहती है। तो इस तरह से ये दोनों किरणें यहां पर मिलेंगी, जिससे हम प्रतिबिंब के निर्माण की जगह के रूप में देख सकते हैं। तो ये ए डैश और ये बी डैश। तो जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, पर वास्तविक बना है। जब कब? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो ये चीजें याद रखनी है कि हमें बस दो किरणें लेनी है, एक जो उसके पोल से होके जाए, प्रकाशिक केंद्र से होके जाए, जो सीधी निकल जाएगी, और दूसरा समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने के बाद फोकस की ओर मुड़ जाती है। आइए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। इस बार मैं वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखता हूं, अर्थात यहां। इसका नाम हम ए बी देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, इन बहुत सारी प्रकाश की किरणों से हमें बस दो प्रकाश की किरणें चाहिए, और वो एक प्रकाश की किरण जो समानांतर जाए, समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण हमेशा उसके फोकस से होती हुई गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश की किरण जिसे मैं फिर से लाल रंग से दिखा रहा हूं, जो कि उसके प्रकाशिक केंद्र अर्थात पोल से होकर गुजरेगी, पर सीधी जाएगी। तो ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि ये दोनों रेखाएं, ये दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो दर्पणों में भी हम ऐसा किया करते थे, दोनों किरणों को विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ाइए, और आगे की ओर बढ़ाने के बाद आपको पता चलेगा कि दोनों कटती हुई प्रतीत हो रही हैं, और जहां दोनों का कटान बिंदु है वहां पे आप, माफ करिएगा मेरे चित्र बनाने की कला मुझ में थोड़ी कम है, तो जहां पे दोनों का कटान बिंदु है वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब काल्पनिक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये वास्तविक किरणों के कटने से नहीं बना, वास्तविक किरणों के मिलने से नहीं बना है, ये हम आभासी रूप से किरणों को मिला रहे हैं। पर ये प्रतिबिंब सीधा है, और ये प्रतिबिंब आपको कब दिखेगा? ये प्रतिबिंब आपको तब दिखेगा जब आप यहां पर
अपना आंख रखें और यहां से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है। तो सूक्ष्मदर्शियों में ऐसा ही किया जाता है, वस्तु को जो छोटी वस्तुएं होती हैं उन्हें पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है ताकि उनका एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। इसीलिए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास अर्थात सूक्ष्मदर्शी, छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने वाला यंत्र। तो दूसरी तरफ से जब सूक्ष्मदर्शी के दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो वो वस्तु हमें इनलार्ज दिखाई देती है, अपने साइज से बहुत बड़ी दिखाई देती। आइए मैं आपको जल्दी से अवगत करा देता हूं बाकी के वस्तु व प्रतिबिंब स्थितियों से। यहाँ केस ए में जब अनंत से आती हुई समानांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ रही हैं तो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है जो कि बिंदु आकार का है। दूसरे केस बी में जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और उसके वक्रता केंद्र के दूसरे वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तीसरा केस है दोस्तों जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे ही रखते हैं, C1 पे ही रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र दूसरे वक्रता केंद्र अर्थात C2 पे बनता है। तीसरा केस जो है दोस्तों उसमें वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है जिसका प्रतिबिंब दूसरे वक्रता केंद्र के परे बन रहा है। पांचवा केस दोस्तों जिसमें फोकस पे रखते हैं जब हम वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं कटेंगी, आप उसको दोनों तरफ बढ़ा लें पर वो कभी कटती हुई प्रतीत नहीं होगी। तो फोकस पे रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है और अनंत से आती हुई किरणों का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और आखिरी और छठा जो केस है दोस्तों जिसमें जब हम फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही आभासी बनता है जो कि सीधा और उससे बड़ा होता है। अब देखते हैं कि उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सारणी। तो यहां पर जैसे जब अनंत पे वस्तु होती है तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है जो कि बहुत ही छोटा बिंदु आकार का होता है, जैसा कि हमने सबसे पहले वाले प्रयोग में देखा था जिसमें कागज में आग लग जाती है जब समानांतर प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस पे आती हैं। तो जब 2F से परे अर्थात वक्रता केंद्र से परे रखते हैं तो F2 और 2F2 के बीच में बनता है प्रकाश, छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसी तरह आगे भी आप इसे समझ सकते हैं। आप खुद से प्रयत्न करिए। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण एक ऐसी कला है जो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना अच्छा आप बना सकते हैं।